ब्रह्मांडमैन पद्धतिलो मनंदरं कूडा गर्वंगा तलेत्तुकोने विधंगा मन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आध्वर्यंलो इदि तीर्चिदिद्दडं जरिगिंदि। 2 साल में बहुत काम किया गया है यहाँ पे और मैं आपसे वादा करता हूँ आज ना सिर्फ मौजूद शाही मार्केट जो कि आज यहाँ पे इतना खूबसूरत यहाँ पे इनको इसको देखने को हम सबको मिला, ना सिर्फ मौजूद शाही मार्केट आगे जाके जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर हैदराबाद में इन सबको, इन सबकी हिफाजत और इन सबको और भी खूबसूरत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने इससे पहले भी बहुत बार बात किया था, हैदराबाद को हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिलना चाहिए यूनेस्को का, इसके लिए भरपूर कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा और पूरी तरह से यहाँ पे जो जितने भी हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट हैं सबको मैं वादा करता हूँ कि पूरी तरह से कोशिश करेंगे और जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर है हैदराबाद में, चाहे वो हमारे गोलकोंडा हो या कटोरा हाउस हो, मुर्गी चौक हो और बहुत बहुत और भी स्ट्रक्चर हैं, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर, इन सबको रिस्टोर करना, पुरानी जो ग्लोरी है उसका रेस्टोरेशन हमारी जिम्मेदारी है। और जो गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हैदराबाद जानी जाती है, सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करते हुए अमन के साथ भाईचारे के साथ जो हैदराबादी शहर हैदराबादी यहाँ जाने जाते हैं, इसको भी महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी शहरी हो, सबकी जिम्मेदारी है हैदराबाद में जो कल्चर है, जो एक कॉस्मोपॉलिटन फैब्रिक है, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे और मजबूत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें हैदराबाद के सिटीज़न भी, क्योंकि इसको बनाना तो आसान है, 15 करोड़ खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने, बना तो दिए, पर एक अहम बात यह है कि इसको मेंटेन करना यहाँ सिटीजन्स की जिम्मेदारी है, वैसे तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी बट इसको सुंदर रखना और इसको साफ़ सुथरा रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।